दिस क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड विच कट एट द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 4 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे। तो क्या बोला गया है, तो उसने बोला है कि 15 डिग्री है उसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का, और इंटरसेप्ट उसने कितना किया है, इंटरसेप्ट है उसका 4 ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस। तो 4 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 4, और कितना इंक्लिनेशन है 15 है, तो ऐसी कुछ हो जाएगी लाइन अपनी। ठीक है, तो ये हो गया अपना 15 डिग्री। ठीक है, और ये इंटरसेप्ट आ गया अपना 4। ओके, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 15, लेकिन अपन को 10 15 की वैल्यू याद नहीं होगी, तो अपन ऐसे इनडायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं 10 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें अपन टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टेन ए माइनस बी होता कितना है, टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, फर्दर इसे अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गया अपना स्लोप। और अपनी लाइन की बेसिक इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अपने पास स्लोप है इंटरसेप्ट है, दोनों पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू स्लोप है अपना रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस फोर, हो जाएगा माइनस फोर। ठीक है, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, तो अपन रूट थ्री माइनस वन और अपॉन रूट थ्री प्लस वन को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। तो इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जिससे कि नीचे का रूट थ्री प्लस वन हट जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना थ्री माइनस वन और ऊपर आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टू और ऊपर आ जाएगा थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस वन, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, तो ये हो गया अपना टू माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। ठीक है, क्या किया मैंने, इसमें टू का डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई माइनस टू माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये अपनी आ गई लाइन की इक्वेशन, सो दीज आर रिक्वायर्ड आंसर।